कहते हैं संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। संघर्षशील तमाम मुश्किलों को पार कर सफलता का परचम लहरा ही देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सरहदी जिले बाड़मेर की, जहां छोटे से गांव की एक दलित बेटी ने बाड़मेर की बतौर पहली बेटी पेट्रोकेमिकल इंजीनियर बनकर अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया है। जन्म के समय जिसे लोगों ने पत्थर कहा था, वो आज अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में लाखों के पैकेज पर काम कर रही है। अगर हौसले बुलंद हो और दिल में मंजिल पाने की चाहत हो तो कोई भी परिस्थिति इंसान को रोक नहीं सकती। जी हाँ, कुछ इसी तरह की मिसाल पेश की है बाड़मेर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर आटी गांव की रहने वाली रचना लीलड़ ने। रचना बाड़मेर जिले की पहली बेटी है जिसने पेट्रोकेमिकल इंजीनियर का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। इतना ही नहीं, रचना आज वेदांता केयर्न में 28 लाख के पैकेज पर गुजरात के पोरबंदर में काम कर रही है। कोटा से मैंने आईआईटी जेई की तैयारी की, उसके बाद उसमें सिलेक्शन होने के बाद मैंने एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ ही नहीं, उसे फाइनल ईयर में ही मेरा कैन वेदांता में सिलेक्शन हो गया। और उसके मैंने 2 नवम्बर 2020 को कैन वेदांता को ज्वाइन कर दिया। रचना लीलड़ की माँ बताती है कि जब वो पैदा हुई थी तब लोगों ने कहा था कि घर में पत्थर पैदा हुआ है, लेकिन तब उन्होंने ठान लिया कि इस बेटी को वो पढ़ा लिखा कर मील का पत्थर बनाएंगी, और आज वो बात हकीकत बन चुकी है। लेकिन मेरे को बहुत खुशी की बात है कि मेरी बेटी वो कामयाबी चूम सकी जिसको मैंने सपना देखा था। जब वो पैदा हुई थी तब लोगों ने, महिलाओं ने ये बोला था कि ये लड़की है कि पहले पंचक हुई थी। हमारे समाज में बोलती है कि पहले पंचक होती है तो 5 लड़कियां आती है। तो उसके पापा ने और मेरे पापा ने सबने गुड़ और मिठाई बांटी, तो लोगों ने बोला कि बाठा आए हुए, तो मैंने कहा बाठो भले आयो, बाठे रूं गैसियो बढ़ाईला। आर्थिक तंगी और अभावों में पली बड़ी दलित समुदाय की रचना लीलड़ की शुरुआती तालीम अपने गाँव आटी में हुई। 8वीं के बाद गाँव में स्कूल नहीं होने की वजह से उसने अकेले ही 20 किलोमीटर दूर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर रोज आना जाना किया। कुछ कर दिखाने का जुनून रखने वाली रचना अब इंजीनियरिंग में आई तो कैंपस इंटरव्यू में ही सिलेक्ट कर ली गई। भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर। तो चलिए फिलहाल इतना ही, खबरें जारी, आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।